डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या आपने इस डिटेल को नोटिस करा था? तो डिटेल ये है कि हम सभी ने ये सीन देखा और सुना था, बट बहुत कम लोगों ने इसे समझा होगा। मतलब मिस्टर फैंटास्टिक वांडा को बताता है कि वो भी एक बाप है, उसके भी बच्चे हैं, एंड जो मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे कि वो किन की बात कर रहा था। सो वो अपनी बेटी मलेरिया वलेरिया की एंड बेटा फ्रैंकलिन रिचार्ड्स की बात कर रहा था। तो अभी मलेरिया वलेरिया को छोड़ के फ्रैंकलिन की बात करते हैं। सो फ्रैंकलिन में अपने माता पिता से कॉस्मिक रे चार्ज जीन्स इनहर्ट हुआ है और वो हाईली इंटेलिजेंट पैदा हुआ है। उसकी पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो एक बच्चा था तब वो रियलिटी मैनिपुलेशन और टेलीपैथिक पावर्स को यूज कर सकता था, और वो अपनी मर्जी से पॉकेट यूनिवर्स को भी बना सकता है। एंड जैसा कि हम सभी ने देखा है कि अर्थ 616 की वांडा ने फ्रैंकलिन के डेड को यानी रीड रिचार्ड्स को मार दिया था, तो आई एम श्योर कि फ्रैंकलिन अभी गुस्से में होगा और शायद वो फ्यूचर में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अर्थ 616 पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके ऊपर जो मूवी बनेगी वो अवेंजर्स लेवल की बन सकती है। तो क्या आपने भी इस डिटेल को नोटिस करा था? एंड इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना।